समस्तीपुर में वंदे मातरम शब्द को मिटाए जाने पर हुए विवाद में आयशा संगठन ने एबीवीपी संगठन के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपराधी तत्व के हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि प्रिंसिपल ने इस विवाद को अफवाह और बेबुनियाद बताया है। आप लोग हड़ताल पे भी है? देखिए, यहाँ पर आयशा का पैनल जीता है, 7-7 सीट यहाँ पर जीता है, महासचिव है, लेकिन बीआरबी कॉलेज का जो छात्र संघ भवन है, आज तक बीआरबी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किसी भी पदाधिकारी के साथ बैठक नहीं हुई और छात्र संघ भवन की चाबी वैसे लोगों को दे दिया गया जो कॉलेज का छात्र नहीं है और बाहरी लोग जाकर के धारा लागू था और यहाँ के एबीवीपी ने आंदोलन किया और वंदे मातरम के नाम पर यहाँ पर रोटी सेका है और उसका अध्यक्ष जो फंस रहा था, कल जो वहाँ पर 20 लाख रंगदारी मांगा है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। इसीलिए आज आयशा यहाँ पर थाना है, यहाँ के बीआरबी कॉलेज के शासन महासचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने जुलूस निकाल कर हम ये बताने आए हैं कि जो छात्र संघ का पदाधिकारी है वो क्रिमिनल है, उसको जेल में बंद करो और उसके साथ जितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं असामाजिक तत्व कॉलेज कैंपस में आने से वो रोका जाए और कॉलेज में शैक्षणिक माहौल बनाई जाए, पढ़ाई पढ़ने की माहौल बनाई जाए। इस सवाल को लेकर के आज हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और कॉलेज कैंपस से 144 धारा खत्म होता है, हम लोग का कॉलेज पर जोरदार प्रदर्शन की जाएगी जब तक कॉलेज से असामाजिक तत्व खदेड़े नहीं जा सकते। क्या नाम है आपका? जिला अध्यक्ष आयशा सुनील कुमार। मातरम को लेकर, मिटाने को लेकर काफी विवाद हुआ था, उसे किस तरह से खत्म किया गया है कॉलेज प्रशासन के द्वारा, क्या कुछ पहल की गई है? देखिए, मुझे तो ऐसा कहा गया कि छात्र में कोई असंतोष नहीं हो जाए, आपसी मतभेद नहीं हो, इसके लिए अगर कोई अनावश्यक स्लोगन है तो उसको अगर लिख दिया गया है तो वहाँ से हटा दिया जाए। मैं परीक्षा में अति व्यस्त था, वहाँ जाकर देखा नहीं, गलतफहमी में बाद में वो मिटा दिया गया। बाद में पता चला कि उस पर भारत माता की जय लिखा हुआ था, वंदे मातरम था। मैंने जैसे ही महसूस किया तुरंत प्रिंटर को बुलवाया कि ये तो भारत माता का अपमान हुआ, हम भी भारत माता के प्रेमी हैं, इसी धरती पर जन्म लिए हैं, इसलिए भारत माँ की जय तो हम भी कहेंगे और भारत माँ को सम्मान देते हुए हमने पुनः उसको सुंदर अक्षरों में लिखवा दिया। ये जो कुछ भी हुआ गलतफहमी में हुआ, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि अनावश्यक स्लोगन है, बच्चे गुटबाजी नहीं कर ले, आपस में भिड़ंत नहीं कर ले, यहाँ शांति बहाल करने तथा शैक्षणिक व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से हमने कहा कि ठीक है, जब इस तरह की बात है तो कलर जो जो हम परमिशन दिए थे उसके इतर अगर लिख दिया गया है तो उसको ब्लू कलर में चेंज कर दीजिए, आज जो अनावश्यक स्लोगन है उसको हटा दीजिए। स्लोगन क्या है इसकी सूचना मुझे नहीं दी गई थी, मैं जैसे ही जाना उस भारत माँ को सम्मान देते हुए पुनः उसको वहाँ लिखवा दिया। इसलिए हमारे स्तर से ऐसा कोई अपमानजनक काम नहीं किया गया है, अगर कुछ हुआ तो गलतफहमी में हुआ है, मैं यही कहता हूँ। समस्तीपुर जिला के लदौरा पंचायत अंतर्गत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के परिसर में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्राम स्तरीय कार्यक्रम के तहत वित्तीय साक्षरता शिविर का उद्घाटन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कल्याणपुर चौक के ब्रांच मैनेजर राकेश पासवान ने किया। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर के लदौरा पंचायत अंतर्गत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के परिसर में नवार्ड द्वारा प्रायोजित अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्राम स्तरीय कार्यक्रम के तहत वित्तीय साक्षरता शिविर का उद्घाटन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कल्याण चौक के बीएम राकेश पासवान ने किया। इस अवसर पर नवार्ड क्षेत्रीय कार्यालय पटना के कनीय परामर्शित प्रतीक रंजन ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं अटल पेंशन योजना पर विस्तृत जानकारी दी। जीविका के बीपीएम अरुण कुमार सिंह ने समूह के सदस्यों को इस योजना से लाभ लेने के लिए कहा। कार्यक्रम का संचालन ओसेफा के निदेशक देव कुमार ने किया। मौके पर कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र चौधरी, एनिमेटर राम काशी देवी, अनिता देवी आदि थी। वहीं दूसरी ओर बिथान प्रखंड के कुसुहो पंचायत के वित्तीय साक्षरता शिविर का उद्घाटन दक्षिण बिहार के बैंक के वित्तीय बीएम सुरेंद्र कुमार ने किया। इस
शिविर में ई शक्ति परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह के 32 सदस्यों ने जनधन खाता बैंक के संदीप कुमार व विजय कुमार और शेफा के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफीउल्लाह, जीविका के सीसी डॉली कुमारी, ग्रामीण बैंक के विजय कुमार, एनिमेटर पिंकी को पिंकी देवी, मंजू देवी, अर्चना कुमारी आदि उपस्थित थी। समस्तीपुर जिला में सोमवार, बुधवार और शनिवार को डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन चिकित्सा पदाधिकारी मुफ्त में करेंगे ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की जांच। जिला विधि सेवा प्राधिकार लोक अदालत समस्तीपुर में न्यायिक पदाधिकारी गण, कर्मचारी गण, अधिवक्ता गण तथा वादों के पक्षकार को मुफ्त में चिकित्सा कराने हेतु जिला विधि सेवा पद अधिकार के सचिव राजीव रंजन सहाय के द्वारा एक विशेष पहल किया गया। विदित हो कि सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को डॉक्टर मोहम्मद जलाउद्दीन अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन चिकित्सा पदाधिकारी से मुफ्त में ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर बीमारी संबंधित दवा लिखने के लिए तैयार है। आज तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार श्रीवास्तव विधि सेवा पद पर अधिकार के सचिव राजीव रंजन सहाय सहित लोक अदालत के कर्मचारी राम बालक पाठक, प्रभात रंजन, संजय कुमार, ललन कुमार, विद्यानंद, जितेंद्र राम, अधिवक्ता गौरी शंकर राय, शारदा कुमारी, राजीव कुमार सहाय, महेश प्रसाद, नवीन चंद्र सिंह आदि मौजूद थे। अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने से समस्तीपुर सदर अस्पताल में डाटा एंट्री ऑपरेटर आज 5वें दिन भी हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि काम निश्चित किया जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। लोगों का 5वां दिन हड़ताल पे है, इसको लेके सिविल सर्जन या आपके मंगल पांडे से कोई वार्तालाप हुई है क्या? तो कोई वार्तालाप नहीं हुई है। यहाँ के हमारे पदाधिकारी भी कोई हस्तक्षेप नहीं किए हैं, ना कि ऊपर स्वास्थ्य प्रशासन विभाग की ओर से कोई नहीं किया गया है। बस एक गुप्त सूत्र से चिट्ठी आई है ईडी के द्वारा कि आप लोगों को कार्य मुक्त कर दिया गया है, इसकी जानकारी मिली है, बट ऐसा अभी तक कोई नहीं आया हम लोग के पास। कोई हम लोगों को पर्सनली किसी भी डाटा ऑपरेटर को इसकी सूचना अभी नहीं दी गई है। हम लोग अपने हड़ताल पे लेके 5वें दिन भी कायम है और आगे भी हम लोग इसी हड़ताल पे ऐसे ही कायम रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। तब तक ये हड़ताल निश्चितकालीन है और निश्चितकालीन चलेगी। और कल हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, ईडी साहब के द्वारा जो चिट्ठी निकाला गया इसको जलाने का हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। इस चिट्ठी का हम लोग विरोध करेंगे और उसको आगे हवाले करेंगे सभी डाटा ऑपरेटर। इसको जो चिट्ठी निकालेगी उस पर क्या कहने वाले हैं आप? चिट्ठी में कहना क्या, वो तो एक धमकी दिया गया है, वो सब एक डरावनी बात है। इससे हम लोग डरने वाले थोड़ी ना है। 5 दिन सब कुछ छोड़ के हम लोग तो जानते हैं कैसे भी नौकरी जा रही है, तो डरना क्या है उस चिट्ठी से? ये तो धमकी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आपका नौकरी ही नहीं है तो फिर डरना क्या है? और नौकरी तो वैसे भी नहीं है, सरकार चिट्ठी दे रही है कि आपको नौकरी से हटा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिन्हा, सदर अस्पताल से। समस्तीपुर में भाजपा युवा कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव की तैयारी पर किया गया चर्चा और कैसे तैयारी करके किस तरह से मैदान में उतरे इस बात की समीक्षा भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गुंजन मिश्रा ने अपने अध्यक्षता में की और समस्तीपुर के दोनों लोकसभा के सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित बताया और इसी के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का संकल्प लिया। ये समस्तीपुर युवा मोर्चा का जिला कार्य समिति का बैठक है और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला उस पर हमारी तैयारी चलेगी। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम युवा मोर्चा अग्रसर हैं, तैयार हैं, जिसके लिए इस लोकसभा चुनाव में जो हमारी तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से हमें किस तरह से मैदान में उतरना है और किस तरह से समस्तीपुर लोकसभा का दोनों सीट जीतकर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है, इसके लिए युवा मोर्चा का आज जिला कार्य समिति का बैठक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुंजन कुमार मिश्रा है, जिला अध्यक्ष भाजयुमो समस्तीपुर।